Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to discuss about environment compulsory exam. आज हम discuss करने जा रहे हैं environment compulsory exam से related सारी queries कि आपको एक ही platform पे इसके important questions क्या हैं, क्या syllabus होता है, कहाँ से पढ़ना होता है, किस topic से कितने marks का पूछा जाता है, वो सारा हम discuss करेंगे. जैसे कि आपको पता है environment exam क्या है, compulsory exam है पंजाब यूनिवर्सिटी के students के लिए. जो भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर हैं, अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जैसे हमारा बीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी, बीसीए, आप किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो, अगर आपने अपनी डिग्री को लेना है तो इस एग्ज़ाम को एक बार ही आपको देना ज़रूरी है और इसे पास करना भी ज़रूरी है. आपके पास कितने अटैम्प्ट होते हैं, इसके क्या मार्क्स जुड़ते हैं, देखो अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आपको सेकंड सेमेस्टर में पहली बार इस एग्ज़ाम को देने का मौका मिलता है. जिसने सेकंड सेमेस्टर में एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है उसके लिए आगे प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि आगे वो सीनियर क्लासेस में उसके बाद अपने सब्जेक्ट जो है वो वास्ट होते चले जाते हैं. जैसे कि सेकंड सेमेस्टर हो गया, फोर्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया. 3 साल का अगर आपका डिग्री कोर्स है, बीकॉम है, बीसीए है, बीए है, बीबीए है, तो इन सब स्टूडेंट के लिए ये एग्ज़ाम सेम आता है. और आपको अब कहाँ से पढ़ना है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. इसके जो मार्क्स होते हैं वो आपको पासिंग मार्क्स, क्वालिफाई मार्क्स लेना बहुत ज़रूरी होते हैं. ये मार्क्स आपके डिग्री में नहीं जुड़ते हैं, पर आपके मार्कशीट के नीचे ज़रूर लिखा होता है कि एनवायरमेंट एग्ज़ाम है, वो क्वालिफाई आप कर चुके हो. तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं आपको ये सारा मैटर कहाँ मिलेगा, जिसके अंदर आपके क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट हो, प्रीवियस क्वेश्चंस भी हो, टॉपिक्स भी हो, सब कुछ. देखो आपने क्या करना है, एससीपी अड्डा चैनल सर्च करना है यूट्यूब पे. जैसे आप सर्च करोगे आपको ये दिख जाएगा. उसके बाद आपने प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाना है. जैसे आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाओगे तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, इंग्लिश कंपलसरी की, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री कल्चर ऑफ पंजाब की, सब कुछ. आपने क्रिएटेड नीचे ही इसको स्क्रॉल कर देना है, सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी. पॉलिटिकल साइंस यहाँ मिल गया आपको. जैसे आप इन्वायरमेंट की देखोगे, इन्वायरमेंट की भी आपकी यही होगी. देखो ये आपके इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट आपको दिख गई, पिंक से आइकन्स में जो लिखा हुआ है सिलेबस ऑफ एनवायरनमेंट. आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपकी इस वीडियो, इस प्लेलिस्ट में 2 वीडियोस आपको दिखेंगी. पहले आपके एनवायरनमेंट स्टडीज सिलेबस से सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए क्या सिलेबस है, इस वीडियो के अंदर बेसिकली ऐड क्या करा गया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कौन कौन से आपने वेबसाइट सर्च करनी है, कहाँ कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा एनवायरनमेंट स्टडी के लिए, आपको किसी बुक के पास जाने की, कोई आपको प्रीवियस क्वेश्चंस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वीडियो देख ली. दूसरा है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी का एक क्वेश्चन पेपर है, जिस तरीके से पूछा जाता है, एग्ज़ाम के पूछने का क्या तरीका है, वो आपको यहाँ से पता लग जाएगा. तो एनवायरनमेंट का आपका सारा चीज़ कवर हो जाएगी, होल आइडिया आपको पता लग जाएगा. इस 15 से 20 मिनट में आप सब कुछ समझ जाओगे एनवायरनमेंट का. आपको ये नहीं होएगा कि मैं कौन सी बुक परचेज करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, कैसे करूँ. ये 2 वीडियो आपने देख लिया, आपका एनवायरनमेंट के जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे. होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी. अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें, ये मुझे मोटिवेशन देता है एज सच आपकी और हेल्प करने के लिए. अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी वीडियो शेयर करें. थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे.